आप सभी लोगों ने कल देखा होगा कि मोदी की नई कैबिनेट का गठन हुआ है, और आपने देखा होगा कि तीन तरह के आप लोगों ने मंत्री देखे होंगे। एक तो आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री देखा होगा, एक आपने देखा होगा राज्य मंत्री, और एक आपने नाम सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इन तीनों में आप लोगों को अंतर बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, आप लोग जो कैबिनेट मंत्री होता है, ये आप देखते हैं कि इसके पास अपना विभाग होता है, और ये हर मीटिंग में, कैबिनेट की हर मीटिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेता है, और एक तरह से मैन करता धरता यही रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आप देखिए कि राज्य मंत्री की अगर बात करें, तो जो राज्य मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए होता है, और इसे मीटिंग में भाग लेने के लिए कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप जानिए कि दो मंत्री हो गए, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, तो मेन तो आपका कैबिनेट मंत्री है ना, उसकी सलाह के लिए, एक तरह से उसकी सहायता करने के लिए आपका राज्य मंत्री। एक आप देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इसमें बताऊं कि ये विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है, और जरूरत पड़ने पर जो आप रखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का है, एक कैबिनेट में अपनी बात भी रख सकता है, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें अपनी बात भी रख सकता है। और आपको बता दूं, आप लोगों ने आर्टिकल 75 आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 75, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति साहब आपने देखा होगा जिसके पास बहुमत हो उसी को प्रधानमंत्री बनाता है लोकसभा में। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 75 में ही ये भी कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, कि मेन कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री ही रहते हैं, बस राष्ट्रपति से कह देते हैं कि इन इन नामों को आप लोगों को नियुक्त कर देना है। तो शपथ आप देखते हैं कि दिलाते हैं एक तरह से राष्ट्रपति साहब। और आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अगर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। कैसे? आप लोग 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना अनिवार्य होगा, और लोकसभा से आप जानते हैं कि लोकसभा से आपका डायरेक्ट जनता चुनती है लोकसभा सदस्य को, और राज्यसभा सदस्य को आप जानते हैं कि आपके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें आप लोग विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, इनके द्वारा चुना जाता है। आप लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सुना होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो आप देखते थे कि राज्यसभा से आते थे। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे जो करंट में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये आप देखते हैं बनारस से लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी तरह की व्यवस्था आप राज्यों में भी तो देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई थी, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गई। अब देखिए, वो आने वाले चुनाव में आपकी विधानसभा किसी सीट को खाली करवा लेंगी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी और मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। कल की कैबिनेट में मुझे दो बातें समझ में नहीं आई, एक तो आपका स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाना और एक कानून मंत्री को हटाया जाना, रविशंकर साहब को। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो आप लोग बताइए, इनका मतलब आपने देखा हो, ये कोरोना महामारी में जो भी निर्णय लिए गए वो शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए हैं, और आपने देखा होगा कि रविशंकर साहब ने तो काफी अच्छा काम किया हुआ है, तो वो तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि उस चिड़िया यानी कि ट्विटर के, ट्विटर ने उन्हें हटा दिया कि उनने ट्विटर को हटाया, या फिर आप देखिए कोरोनिल जो बाबा रामदेव ने काफी प्रचार किया था, कोरोना दवाई बताकर, वैक्सीन बताकर, जो भी बताया वो, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गए हुए थे, तो मुझे लगता है उस गलती की सजा इन्हें दी जा रही है कि ये, कि आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव ने डॉक्टरों पर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा था कि बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए, तो उसका उसकी सजा दी जा रही है। खैर छोड़िए, अब जो है जनता को फायदा हो, कोई भी कैबिनेट मंत्री बने, तो अभी नए जो आपके कैबिनेट मंत्री में शामिल किए गए, इन्हें आप लोग देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री में आप देखेंगे राज्य
राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्री हैं और पहले भी ये थे। अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री ये पहले थे, आप जानते हैं। इन्हें एक और मंत्रालय दिया गया, सहकारिता मंत्री भी इन्हें बना गया। नितिन जयराम गडकरी की अगर बात करें, नितिन को आप लोग जानते हैं, जय गडकरी साहब को, काफी अच्छा काम करते हैं ये। आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री होंगे। वहीं अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री का काम संभालती हैं और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी आपके। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहीं अगर हम लोग नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया। किन्हें? पहले से थे ये, देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर भी इन्हें आप लोग कहते हैं। ये आपके विदेश मंत्री हैं, पहले भी थे विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा, इन्हें आपका जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी या फिर स्मृति जुबिन ईरानी की बात करें तो इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री इनके पास मंत्रालय रखा गया है। वहीं अगर हम लोग पीयूष गोयल की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, ये आपके पीयूष गोयल के पास होंगे। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया। नारायण तातू राणे, ये आपके महाराष्ट्र से आते हैं, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया। सर्वानंद सोनेवाल, आप जानते होंगे ये असम से आते हैं, पहले मुख्यमंत्री थे वहां के, तो बंदरगाह और जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बनाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी, इन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पहले भी थे। बीरेंद्र कुमार, ये आपने देखा होगा कि पहले ये आपके टीकमगढ़ से चुन के आए हैं, पहले भी मंत्री थे, तो इन्हें सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया। गिरिराज सिंह, इनका नाम भी काफी चर्चा में रहा था, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाए गए। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, माधवराव सिंधिया, इन्हें आपका नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार गिराने में कमलनाथ की, इनका एक बहुत बड़ा हाथ था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हीं का इन्हें इनाम मिला हुआ है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री बनाए गए ने। अश्विनी वैष्णव, इन्हें रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। पशुपति कुमार पारस, इस पर भी आपने देखा है काफी विवाद चल रहा है चिराग पासवान को लेकर, उनके हनुमान ने, हनुमान और राम जो भी राजनीतिक हनुमान थे। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, देखिए एक बात और आपको बता दूं, राज्य राजनीति में इस तरह की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है कि आप उनके हनुमान हैं या राम हैं। आपने देख लिया है कि राम ने ही मतलब अपने हनुमान क्या ही पत्ता काट दिया, साफ कर दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू, इन्हें कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। राजकुमार सिंह, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री। मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य और कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो भारी उद्योग मंत्री इन्हें बनाया गया। किन्हें? महेंद्र नाथ पांडे। पुरुषोत्तम रूपाला, तो इन्हें मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। और अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले मामले और खेल मंत्री बनाया गया। याद रखिए, आपको बताऊं कि एक तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है चुनाव है, और आपका पंजाब में भी चुनाव है, हरियाणा, उत्तराखंड, इसलिए आपने देखा है कि इसका गठन किया गया है। राज्य के स्वतंत्र प्रवाह की अगर मंत्रियों की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की, तो इसमें आप देखेंगे श्रीपद येसो नाइक, ये बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया। आप देखेंगे फगन सिंह,
कुलस्ती, तो इन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। पहले आपने देखा होगा प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय इनके पास हुआ करता था। अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। जनरल सेवानिवृत्त बीके सिंह की बात करें तो सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। कृष्ण पाल की बात करें तो विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। दानवे राव साहब दादा राव की बात करें तो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। वहीं आप देखेंगे रामदास अठावले तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का इन्हें मिला है। साध्वी निरंजन ज्योति की तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान की बात करें तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। नित्यानंद राय की बात करें तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए। एक अनुप्रिया सिंह पटेल हैं, ये याद रखिए, वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल की बात करें तो कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री। राजीव चंद्रशेखर की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी की में भी मंत्रालय में राज्य मंत्री। शोभा कंदरलाजी की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। भानु प्रताप सिंह वर्मा तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए। दर्शन विक्रम जरदोष तो इन्हें कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। बी मुरलीधरन तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। सोम प्रकाश की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। कभी आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि टॉप वही कैबिनेट जो मंत्री है उन्हीं से पूछा जा सकता है, ठीक है। रेणुका सिंह सरुता की बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। पूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। एम नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। कौशल किशोर ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। बी एल वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। देबू सिंह चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। भगवंत खुबा ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। कपिल मोरेश्वर पाटिल ए पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रतिमा भौमिक ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर सुभाष सरकार ये शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। विशेषो टूडू ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये हैं आपके शांतनु ठाकुर बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री। जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर एल मुरुगन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री। निशीथ प्रमाणिक ए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये कहानी है आपकी पूरी कैबिनेट और जो आपके स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं
और राज्य मंत्री। ठीक है, देखिए राजनीतिक उठापटक होती रहती है और राजनीति साधने के लिए इस तरह के फैसले लेते लिए जाते रहते हैं, तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस आप लोग यही याद रखिएगा, टॉप याद रख लीजिएगा, और संविधान में कहाँ इसकी व्यवस्था की गई है, कब तक किस तरह से मंत्री रह सकता है राज्यसभा से लोकसभा से, ये सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा बस। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, अब कैबिनेट का गठन हो गया है। अब हो सकता है कि आपको पेट्रोल सस्ता मिले, डीजल सस्ता मिले, या और भी महंगाई आपकी देखने को मिल रही है वो भी सस्ती हो जाए, और नहीं होगी तो आप लोग झेलते रहिए, कर भी क्या सकते हैं, बैठ के आराम से मजा लीजिएगा। ठीक है,